हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड ये होली के पहले दिन का व्लॉग है। काफ़ी दिन हो गए, मैं बहुत लेट हूँ इसको शेयर करने में, बट शूट करके रखा हुआ था तो मैंने सोचा फाइनली आज अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कांजी वड़ा, मैं और मेरी मदर इन लॉ मिल के बना रहे हैं। तो इसके लिए मूंग की दाल को पहले सोक कर दिए थे मॉर्निंग में ही, एंड अदरक हरी मिर्च डाल के इसको ग्राइंड कर लिए थे, थोड़ा सा दरदरा, थोड़ा कम पानी डाल के, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगी पेस्ट। एंड उसके बाद देखिए इस टाइप से पेस्ट रहेगा, थोड़ा गाढ़ा ही। एंड ये कटोरी एक लिया है, उसमें एक जाली का कपड़ा रख के किस टाइप से बनाना है आके मैं दिखाऊंगी। पहले ये मेरी मदर इन लॉ ने डाल दिया था एक बैच, तो उसे मैं अभी पहले फ्राई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं डालूँगी। एंड बच्चों के पीटीएम में गए थे हम लोग, तो थोड़ा सा लेट हो गया वहाँ से आने में, तो मेरी मदर इन लॉ ने शुरू कर दिया था बनाना एंड उसके बाद का सब मैंने किया। एक बैच उन्होंने डाल दिया था एंड जो बड़ा बना हुआ है उसे दो तीन पानी से अच्छी तरह से वॉश करना रहता है ताकि उसके अच्छे से ऑयल निकल जाए। एंड पानी में पूरा ऑयल तैरने लग जाता है तो फिर पानी को चेंज करके फिर से उसे वॉश करते हैं, ऐसा है। एंड उसमें नमक और पिसा हुआ राई, जीरा राई डाल के उसे खट्टा होने के लिए रखते हैं, फर्मेंट होने के लिए एक दिन या दो दिन, तो फिर वो रेडी हो जाता है कांजी वड़ा खाने के लिए। तो यही है प्रोसेस। मैंने सोचा था बहुत अच्छे से शूट करूँगी एंड रेसिपी शेयर करूँगी, बट फिर आए हम लोग वहाँ से पीटीएम से तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी और तो मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया। एंड मेरी मदर इन लॉ ने बनाना भी शुरू कर दिया था तो मैं ठीक से शूट नहीं कर पाई रेसिपी, बट बना रही थी तो सोचा कि शेयर कर देते हैं। एंड ये होली स्पेशल रेसिपी है, होली पे कांजी वड़ा एंड गुजिया और भी कई चीज़ें जो मस्ट है, कई लोगों के घर में बनती है, हमारे घर में भी बनती है वो। तो मैंने अपने एक शॉर्ट में गुजिया की रेसिपी भी शेयर करी थी तो उसे भी मैं इस व्लॉग में इंक्लूड करूँगी। तो ये बड़ा जो है इसको आप ऐसे ही खा सकते हो जैसे वो रहता है ना उड़द दाल का बड़ा रहता है, उस टाइप से ये मूंग दाल का बड़ा, इसको आप ऐसे भी खा सकते हो एज स्नैक, काफ़ी अच्छा लगता है ये। एंड चटनी के साथ में काफ़ी टेस्टी लगता है, सॉस के साथ आप खा सकते हो, केचप के साथ में। बट ये हम लोग दो चार एक एक दो दो पीसेस सबको ही खा लेते हैं गरम गरम, और बाकी का जो रहता है उसको फर्मेंट होने के लिए कांजी वड़ा के फॉर्म में खा लेते हैं। तो ये है एंड इस टाइप से बनाने का तरीका। देखो इसको बाउल में एक कटोरी में जाली का कपड़ा को रखा एंड उसे बिल्कुल फ्लैट कर लिया ऐसा, और थोड़ा सा कटोरी में पानी से हाथ को डिप करके इस टाइप से एक फ्लैट सर्कल टाइप का बना लिया, देखिए इस टाइप से। एंड मैं भी अभी सीख रही हूँ, मेरे से काफ़ी अच्छा नहीं बनता, मेरी मदर इन लॉ अच्छा बनाती है, बट धीरे धीरे मैंने बनाया। तो ये पूरा बन गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना है, और दो तीन पानी से वॉश किया जैसे कि मैंने बताया, और उसे फिर नमक और राई डाल के फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। एंड उसके बाद बना रहे हैं हम लोग गुजिया, खाना वाना होने के बाद में आफ्टरनून में। तो ये मिल्क को बॉयल होने के लिए रख दिया था ताकि इसका खोआ या मावा बना सके हम लोग, तो इसको रिड्यूस कर रहे हैं अभी। तो एक कटोरी के बराबर खोआ निकला था, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं गुजिया बनाने का। ये बनाया था, एक बार और बनाया था मैंने, तो रेसिपी शेयर करी थी एक सेकेंड। और होली स्पेशल है, गुजिया के बिना तो होली हो ही नहीं सकती। एंड सोचा कि बना लेते हैं, थोड़ा सा टायर्ड तो हो रखे हैं क्योंकि आज स्कूल का मैं बच्चों का पीटीएम था तो गए थे वहाँ पे। एंड उसके बाद बड़ा भी बनाया जो मैं दिखाई थी आपको। एंड अभी आफ्टरनून का टाइम है, खाना वाना तो सब हो गया हम लोग का, एंड ये गुजिया बनाने वाले हैं। तो मुझे याद नहीं अब मैंने कैसे बनाया था क्योंकि मैंने एक रेसिपी देख के बनाई थी लास्ट ईयर जो मैंने बनाया था। तो अभी थोड़ा सा मेरी मदर इन लॉ से पूछ के बनाएंगे साथ में, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी मदर इन लॉ भी हेल्प करेगी। पिछली बार तो पूरा कम्प्लीटली मैंने ही बनाया था तो मैंने रेसिपी शेयर करी थी, बट अभी मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि मैं हेल्प कर दूँगी थोड़ी सी। आ गई हूँ मैं करने के लिए, कुछ भी नहीं किया अभी तक, प्रिपरेशन सब करूँगी बस। 5 बजे देख आप देख सकते हो पीछे एकदम तेज़ धूप है और बच्चे खेल रहे हैं, चीनी और चीकू दोनों ड्राइंग बना रहे हैं ऊपर मेरे पास ही थे रूम में, तो बैठे हैं खेल रहे हैं वो लोग।
तो बस सब सामान निकाल दिया है, ये घी मैं बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये है खोआ, जो मिल्क को रिड्यूस किया था ना, अराउंड 1 किलो 1.5 किलो के अराउंड ये मिल्क था, तो इतना खोआ निकला है। एंड ये है नारियल का बुरादा बोलते हैं ना, चूरा नारियल का वो, और ये है थोड़ी सी सूजी। एंड यहाँ मेरी मदर इन लॉ ड्राई फ्रूट्स ला के दे रही है, तो थोड़ा सा बादाम किशमिश ले लिया था, काजू तो अभी ख़त्म हो रखा है तो ये रखा था तो यही ले लिया, और बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी तो सारी चीज़ें अभी इकट्ठा किया एंड सडनली सोचा बनाने का, तो एक पैन ऑन किया एंड मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला था देखिए रेसिपी को, तो मैंने सोचा इसमें डिटेल में शेयर कर देती हूँ। और उसमें थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा सूजी डाल के पहले रोस्ट कर दी, क्योंकि सूजी को रोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद आप चाहो तो नारियल का बुरादा डाल सकते हो, बट मैंने खोआ ऐड कर दिया था, उसे भी थोड़ा सा भूना एंड अच्छी तरह से क्या बोलेंगे ब्लेंड करते हुए उसे रोस्ट किया, ताकि उसमें लम्ब्स नहीं पड़े। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके डाला चॉपर में ही, काफ़ी अच्छे से कट हो गया, पहले मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा एंड काफ़ी मेहनत लगेगी, बट आराम से हो गया उसमें। एंड थोड़े मोटे मोटे पीसेस ही रहने दिए, ताकि वो क्रंची लगे जब मुँह में आए, तो जब बाइट लेंगे तब तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसा ही रहने दिया। आप चाहो तो लंबा लंबा या बारीक भी काट सकते हो। एंड उसके बाद उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ इलायची डाला, और पिसा हुआ इलायची ऐड कर दिया एंड पिसा हुआ शक्कर ऐड कर दिया, तो मस्त वाली स्टफिंग रेडी हो गई है। एंड आटा के लिए 1 किलो के अराउंड मैदा ले लिया है एंड उसमें 1 कटोरी घी डाल दिया, घी का मोयन, और एकदम हार्ड आटा लगा लेना है एंड इस टाइप से छोटे छोटे बेल के उसमें बीच में स्टफिंग लगाना है, चारों तरफ पानी लगाना है एंड उसे फोल्ड कर देना है एंड फोक की हेल्प से इस टाइप से डिज़ाइन बना लेना है, काफ़ी इजीली बन जाता है। एंड गुजिया का मोल्ड भी आता है, हम लोग के पास है भी, बट पता नहीं कहाँ रखा गया था, तो मिल रहा नहीं था, काफ़ी ढूंढा बट मिला नहीं, तो फिर फाइनली ऐसे ही बनाया हम लोगों ने। एंड डिज़ाइन आप चाहो तो फोल्ड कर करके डिज़ाइन भी दे सकते हो, बट ये फोक से करने वाला तरीका काफ़ी ईजी लगता है मुझे। एंड कढ़ाई चढ़ाया, और जैसे समोसा फ्राई करते हैं ना वैसे एकदम स्लो फ्लेम पे उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में एंड अच्छा बना था हम लोग का गुजिया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप चाहो तो इसके ऊपर चाशनी की कोटिंग भी कर सकते हो बराबर में, शक्कर और पानी को मेल्ट करके उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हो, बट थोड़ी सी लेट भी हो रहा था एंड खाना बनाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही रहने देते हैं, बट आप चाशनी से कोटिंग करोगे एंड उसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल वो चंद्रा कलर रहता है ना, या फिर मार्केट स्टाइल गुजिया रहता है, बिल्कुल वैसा टेस्ट आएगा, तो आप वो भी ट्राई करके देखना। और ये एक एक करके सब फ्राई कर लिए हम लोग, और बीच में मेरी मदर इन लॉ यहाँ चाय पीने जा रहे हैं, तो अभी भी किचन में हूँ मैं एंड पसीना पसीना हो गई हूँ, और खूब सारा गुजिया बना है, हमको दिखाऊँ तो ये, एंड अभी ये 3-4 और बचे हैं एंड 4-5 और डाला हुआ भी है, तो खूब सारा बन गया है एंड उसके बाद भी स्टफिंग थोड़ी सी बच गई है, थोड़ी सी 4 गुजिया के लाए थे, अगर 4 पीसेस और रहते ना तो उसमें एडजस्ट हो जाता। और मेरे हस्बैंड आ गए अभी, 7 कितना हो रहा है, 7:15 हो गया, 7:30 होने वाला है, और 2 घंटा हो गया, कुछ भी तैयारी नहीं थी ना एक्चुअल में, इसलिए इतना टाइम लगा, क्योंकि मैंने नट्स भी काटा बीच में एंड बच्चों का मिल्क पीने का टाइम हो गया था तो वो भी दिया एंड बीच में मेरी मदर इन लॉ भी चाय पीने चले गए थे, और बस ऐसे करते करते 2 घंटा होने में आ गया हम लोग को। मैं क्या है, मैं जब सोच के अगर बनाऊँ ना कि आज ही गुजिया बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ एक दिन या लाइक मॉर्निंग में या तो स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ एंड आटा भी पहले लगा लेती हूँ, और बाद में सिर्फ बनाने का टाइम काम रहता है, बट अभी सारी एंड नट्स भी पहले से ही काट लेती हूँ, बट अभी क्या है सारी चीज़ें एक साथ हुई ना, नट्स काटा फिर सब एक 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 करके सारी चीज़ों को रोस्ट किया, स्टफिंग रेडी किया एंड आटा भी लगाना था, आटा तो मेरी मदर इन लॉ ने लगा दिया जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने मेरी हेल्प करी, एंड उसके बाद छोटा छोटा जो गोला गोला था ना वो मेरी मदर इन लॉ ने बेल के दे दिया, मैंने स्टफिंग भर दिया एंड फ्राई कर लिया मैंने, तो बस ऐसे हम लोग कर लिए एंड खूब सारा था ना क्वांटिटी, इसीलिए इतना टाइम लग गया हम लोग को देखते, और बस डिनर का टाइम हो गया है, देखते हो क्या बनाऊंगी, कुछ सोचा नहीं है, बट मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बहुत दिनों के बाहर खाए हम लोग, 1 मंथ से बिल्कुल बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि दोनों बच्चे बीमार पड़े हुए थे एंड एग्ज़ाम्स भी चल रही थी, तो उसमें भी हम लोग संडे को बाहर नहीं जाते थे, लाइक तबीयत ख़राब थी इसलिए नहीं जा पा रही थी, क्योंकि फिर बाहर का खाना भी नहीं था एंड फीवर था, तो हम लोग छोड़ के भी बच्चों को एंजॉय करने के लिए नहीं जा पाते थे, मन नहीं होता था हम लोग का, तो हम लोग कहीं नहीं गए हैं इतने दिन से, इसलिए आज मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि बाहर चलते हैं खाने के लिए, तो देखते हैं क्या करते हैं, या तो पास में ही एक
ढाबा टाइप का ही है, बट वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। मेरे फादर इन लोग को वहाँ का खाना बहुत पसंद है, तो हो सकता है हम लोग वहाँ चले जाएँ, देखते हैं। एंड कोई खा के नहीं देखा है अभी, भूख लगाने के लिए दिया है बस मैंने। एंड खा के देखेंगे कि शक्कर वगैरह कैसा है, बाकी तो सब ठीक है। एंड इसका जो वो रहता है ना मोल्ड, वो है हम लोग के पास में, बट कहाँ रख दिया है मेरी मदर इन लॉ ने, हम लोग को मिल रहा नहीं है। तो ढूंढा मैंने, मिला नहीं, तो बस हम लोग इसलिए हाथ से फोल्ड करके बनाए। एंड ये जो है ना फोक, इसके हेल्प से काफ़ी अच्छा बन जाता है एंड डिज़ाइन भी अच्छा आ जाता है, देखो। तो बस ये है, बन गया हम लोग का। तो ये है बड़ा, इसको दो तीन बार पानी से धो के देखिए। एंड ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शेप बिगड़ा हुआ है, एकदम परफेक्ट तो यही दिख रहा है मुझे तो बस। एंड इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के और जो राई रहता है ना पिसा हुआ, उसको थोड़ा सा डाल के खट्टा होने के लिए रखेंगे। दो दिन में तो एकदम बढ़िया खट्टा हो जाएगा। और बस खाते हैं इसी को, कांजी बड़ा बोलते हैं, मेरे फादर इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड चीकू भी खाता है थोड़ा सा, चीनी को तो इतना पसंद नहीं है, चीकू को है थोड़ा सा पसंद। तो बस जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद हम लोग डिनर करने बाहर चले गए थे, तो मुझे डिनर बनाना नहीं पड़ा एंड बहुत टायर्ड भी हो गए थे हम लोग। तो बस ये, और ये है नेक्स्ट डे, रेडी वेडी हो गई हूँ मैं, ला रही हूँ किचन में। एंड मेरा और मेरी मदर इन लॉ का तो फास्ट रहेगा, तो बाकी लोगों के लिए मैं पराठे ही बनाऊँगी। एंड सोच रही हूँ, देखते चावल आटा है क्या, थोड़ा सा मुझे याद नहीं, क्योंकि चावल की रोटी बना लेती हूँ। एंड चूरमा बनाना है मैं पूजा के लिए, वो बनाऊँगी। एंड बस उसके बाद पूजा करने जाएंगे, एंड उसके बाद छोले पूड़ी एंड छोले की सब्ज़ी, कढ़ाई की पूड़ी एंड चूरमा तो अभी बनाऊँगी। एंड वो मखना रहता है ना पम्पकिन, उसकी सब्ज़ी, ये सब अभी बनाना है पूजा करके आने के बाद में। तो पहले नाश्ता वाला काम बनाती हूँ मैं करके, और छोले मैंने रात को भिगा दिया था, दिखाओ क्या कहा है। बॉइल करूँगी सब कुछ बाद में करूँगी, पहले नाश्ता बनाती हूँ एंड पूजा के लिए बनाती हूँ उसके बाद। मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत हड़बड़ी है, 9 बजने में आ गए हैं एंड सब बैठे हुए हैं, बच्चे भी रेडी, बच्चों को भी रेडी कर दिया मैंने एंड हस्बैंड भी रेडी हो गए, तो नाश्ता के लिए बैठे हैं सबको, तो फटाफट से करूँगी। बच्चों को पहले रेडी कर दिया ना, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई मैं। एंड मैंने साड़ी पहनी है तो इसलिए भी थोड़ी सी लेट हो गई।
गया है, कढ़ाई की पूड़ी, छोले, पम्पकिन की खट्टी मीठी सब्जी एंड चूरमा, जैसे कि मैंने बताया था यही सब बनना, और बिल्कुल सब बिना लहसुन प्याज का है, बट थोड़ी हड़बड़ी में बनाया था इसलिए शूट नहीं किया। और छोले मैंने दो जगह निकाल लिए, एक आफ्टरनून में हम लोग खाएंगे यानी कि रात को खाएंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ खाना था रात को। और ये होलिका दहन के लिए जा रहे हैं हम लोग, रात को सिर्फ मैं और बच्चे जा रहे हैं क्योंकि और कोई नहीं जाता, सब सो चुके हैं। जो धान की बाली आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, उसको इस होलिका दहन में थोड़ा सा सुलगाते हैं एंड घर लेके जाते हैं। और ये भी बस होलिका प्री सेलिब्रेशन है, पूजा वगैरह कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या बनाया वो सब मैंने शेयर किया। आई होप आप लोग का व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग होली सेलिब्रेशन का रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।